हरियाणा में अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। दरअसल 26 नवंबर को प्रदेश भर के किसान 3 दिन के लिए राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए 14 किसान संगठनों, 5 ट्रेड यूनियन और 2 कर्मचारी संगठनों ने ताकत झोंक रखी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि पंचकूला में 3 दिन तक प्रदेश के हजारों किसान पड़ाव डालेंगे, साथ ही यहां से बड़े आंदोलन की भी घोषणा हो सकती है। हालांकि इससे पहले भी 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया था और करीब 1 साल से भी ज़्यादा समय तक आंदोलन चला था, लेकिन अब फिर से किसान उसी तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जरूरी सामान लेकर राजभवन की तरफ कूच करने की तैयारी में है। बता दें, 26 नवंबर को राजभवन में होने वाले पड़ाव को लेकर किसान संगठन पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हैं। इसके लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है, वही गांव में जाकर मीटिंग ली जा रही है और किसानों को 3 दिवसीय पड़ाव में पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। साथ ही पर्चे बांटकर भी किसान लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वही 3 दिवसीय पड़ाव को लेकर किसानों के रवाना होने से सड़कों पर भी ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हरियाणा के विभिन्न जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों में सवार होकर हजारों किसान पंचकूला पहुंचेंगे। आज यहाँ पंचकूला के अंदर यमुनिका पार्क में पूरे हरियाणा के किसान संगठनों की, संयुक्त किसान मोर्चा की और सभी संगठनों की यहाँ मीटिंग हुई और जो निर्धारित कार्यक्रम है 26, 27, 28 को जो देश की राजधानियों में जो पड़ाव डालने हैं, आज उनकी तैयारियों के बारे में और प्रबंध के बारे में आज यहाँ विचार विमर्श किया पूरे जोश के साथ। और उसके साथ साथ जो श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है 27 तारीख को, वो भी आंदोलन के बीच में, यही मोर्चे के बीच में धूप बड़ी धूमधाम से पूरी ताकत के साथ वो भी मनाया जाएगा। और सभी संगठनों के नेताओं की तरफ से ये अपील है पूरे किसान मजदूर सभी भाइयों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पड़ाव में 26, 27, 28 नवम्बर को इस पड़ाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेक्टर 5 जो है पंचकूला का, उसमें सबने पहुंच रहा है पूरे ताकत के साथ। सबसे यही अपील है, जय किसान। बता दें, किसानों की मांग है कि बाढ़ और सूखे से बर्बाद धान की फसल का मुआवजा उन्हें दिया जाए। इसके अलावा किसानों की कई और मांगे भी है, जिनमें कर्ज मुक्ति, सभी फसलों के लिए MSP गारंटी कानून, 60 साल के किसानों के लिए पेंशन, फसल बीमा योजना, लखीमपुर खीरी के किसानों के लिए न्याय और बिजली संशोधन विधेयक 2022 को रद्द करना शामिल है। वही किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल ने बताया कि हरियाणा से पंचकूला करीब 8 से 10 हजार किसान पहुंचेंगे, जो 26 से 28 नवंबर तक 72 घंटे का पड़ाव डालेंगे। और अगर खट्टर सरकार ने किसानों की मांगों का समाधान करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आंदोलन लंबा भी हो सकता है। तो सीधी चेतावनी हरियाणा के किसानों की तरफ से दे दी गई है। हालांकि इसी तरह पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों के किसान 26 नवंबर को राजभवन का घेराव करेंगे, जो बीजेपी सरकार के लिए किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।